हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो A16। जी हाँ, एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ओप्पो की तरफ से और इसी स्मार्टफोन का पर्ल ब्लू कलर मेरे पास है। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया फीचर्स के साथ इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में 5000 मिली एम्पियर का मैसिव बैटरी देखने को मिलता है। इसके अलावा 3D स्लीक डिजाइन है, ट्रिपल रियर कैमरा, HD+ आई कोर डिस्प्ले, ये सभी हाइलाइटिंग पॉइंट्स मेंशन किया गया है। चलिए फिलहाल इसी ओप्पो A16 को हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बॉक्स है, इसका जो शील है इसे ब्रेक कर दिया है और ये अनबॉक्स हो चुका है। और बॉक्स के अंदर यहाँ पे व्हाइट कलर में एक बॉक्स है, यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग नज़र आ रहा है। चलिए इसे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसी बॉक्स के अंदर क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक सेक्शन है, इसी सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे क्या कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट केस कवर सबसे ऊपर है और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक सिम इजेक्टर टूल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सभी कंटेंट्स इसी सेक्शन जो ऊपर दिया गया है इसमें देखने को मिलता है। और बाकी कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में ओप्पो A16 है। जी हाँ, पर्ल ब्लू कलर में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो हाइलाइटिंग पॉइंट्स भी मेंशन किया गया है। और बाकी क्या कुछ दिया गया है इसे बॉक्स के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो एक अडॉप्टर दिया गया है। इसका जो आउटपुट है वो है 5V 2A, यानी यहाँ पे 10W चार्जर दिया गया है। और इसके अलावा एक Type-C केबल जो डाटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग के मामले में काम आएगा। और चलिए फिलहाल इसी प्रेडिक्शन से इसी ओप्पो A16 स्मार्टफोन को निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ ये स्मार्टफोन ओप्पो A16 है। जी हाँ, पर्ल ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो बैक बोरी है वो पॉलीकार्बोनेट का बैक बोरी है और बहुत ही अच्छी तरीके से डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है। कैमरा पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा, LED फ्लैश लगा हुआ है, साथ ही साथ बैक बोरी में ओप्पो का ब्रांडिंग। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड पावर वर्जन है। बैक बॉडी में कोई भी हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। ओप्पो A16 डिवाइस में 3 कलर है, पर्ल ब्लू, इसके अलावा स्पेस सिल्वर एंड क्रिस्टल ब्लैक, ये 3 कलर में मार्केट में अवेलेबल है। नीचे की तरफ देखा जाए, स्पीकर ग्रिल है, Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी लगा हुआ है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन वर्जन और साथ ही साथ सिम ट्रे ट्रिपल स्लॉट के साथ इस स्मार्टफोन की सिम ट्रे है। और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है। डिवाइस का जो वेट है 190 ग्राम इस फोन का वेट है। और डिवाइस का जो हमें यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलता है वो 8.4mm थिकनेस के साथ आता है, यानी कहीं ना कहीं लाइट वेट डिवाइस है और साथ ही साथ थिन डिज़ाइन के साथ आता है। ओवरऑल मुझे खास करके इस स्मार्टफोन के लुक्स डिज़ाइन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और यहाँ पे पर्ल ब्लू कलर में भी ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया लग रहा है और खास करके जो क्रिस्टल ब्लैक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कलर है। और चलिए फिलहाल डिवाइस को हम यहाँ पे ऑन करते हैं और बातें करते हैं ओप्पो A16 स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। ओप्पो A16 में काफ़ी बढ़िया स्क्रीन क्वालिटी दिया गया है। जी हाँ, IPS LCD के साथ में इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। और साथ ही साथ जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है 418 nits टाइप का ब्राइटनेस है। 6.52 inches का एक बड़ा यहाँ पे लार्ज स्क्रीन हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पे रिजोल्यूशन है वो HD+ रिजोल्यूशन है। वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। 720x1600 पिक्सल्स के साथ में इस स्मार्टफोन की यहाँ पे रिजोल्यूशन है। और इसके अलावा 269 PPI रखा गया है, यानी देखा जाए कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस भी होगा इसी ओप्पो A16 के डिस्प्ले में। आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में डिवाइस के डिस्प्ले में कोई भी कमी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन की हम बात करें स्पीड को लेकर या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर, डिवाइस में दिया गया है 4GB RAM एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। जी हाँ, इसी स्मार्टफोन में 4GB RAM 64GB ROM है, यानी रैम एंड रोम मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया दिया गया है डिवाइस में। और बहुत ही जल्द इसी स्मार्टफोन का अलग अलग वेरियंट भी रैम रोम मैनेजमेंट का हमें देखने को मिल जाएगा। और डिवाइस जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 से चल रहा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कलर वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम 11.1 का इस्तेमाल किया गया है। यूज़र इंटरफेस वगैरह काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसी की वजह से। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन में जो चिपसेट दिया गया है प्रोसेसर वो मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक के लिए G35 12nm फैब्रिकेशन में बना हुआ है, यानी गेमिंग के मामले में या स्पीड के मामले में ये जो चिपसेट है मीडियाटेक के लिए G35 बेसिकली ये गेमिंग चिपसेट है और काफ़ी ज़बरदस्त फास्ट भी है ये चिपसेट। और 2.3 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है इसी स्मार्टफोन में। GPU यहाँ पे पावर VRGE8320 GPU दिया गया है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी निराशा नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से इससे बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था।
इसके अलावा इसी स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो डिवाइस में 5000 मिली एम्पियर का बैटरी, ऑब्वियसली ये जो 5000 मिली एम्पियर का बैटरी फुल्ली बैकअप आपको देगा, फुल डे आपको यहाँ पे बैकअप देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से डिवाइस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इस मामले में मुझे थोड़ा सा वीक डिवाइस लगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेन है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया और काफ़ी फास्ट तरीके से डिवाइस को अनलॉक कर रहा है। ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर ओप्पो S16 में दिया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक से भी काफ़ी बढ़िया तरीके से डिवाइस अनलॉक हो रहा है, यानी फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर ओप्पो S16 में काफ़ी फास्ट है। सिक्योरिटी के मामले में कोई भी इशू डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसके अलावा चलिए फिलहाल बात करते हैं ओप्पो S16 स्मार्टफोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। ओप्पो S16 स्मार्टफोन में हमें बैक बॉडी में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिला था। जी हाँ, 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है और डिवाइस में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। जो प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल अपर्चर F2.2 के साथ में है और 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है वो अपर्चर F2.0 के साथ में है। कुछ फोटोज देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सेल्फी देखने को मिल रहा है। इसी स्मार्टफोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में इसी स्मार्टफोन की सेल्फी एंड रियर कैमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी यहाँ पे डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छा है, कलर वगैरह काफ़ी फोटोग्राफी के मामले में अच्छा देखने को मिल रहा है और ख़ास करके जो डिवाइस है वो सेल्फी के मामले में ज़बरदस्त है, यानी सेल्फी के मामले में रियर कैमरा के मामले में ओप्पो S16 में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फोटोग्राफी के मामले में ओप्पो S16 स्मार्टफोन है। यहाँ पे मेगापिक्सल कम है लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त है। वीडियोग्राफी के मामले में 1080p 30fps फ्रंट एंड रियर कैमरा के वीडियोज़ वगैरह आप शूट कर पाओगे। इसी स्मार्टफोन का जो दूसरा कैमरा है बैक बॉडी में लगा हुआ है वो मैक्रो लेंस के लिए है 2 मेगापिक्सल एंड डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल, अपर्चर F2.4 के साथ दोनों ही लेंस दिया गया है। यानी कुल देखा जाए 13+2+2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। और चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी ओप्पो S16 स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। इसमें फिलहाल मार्केट में आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है जो आता है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 13,990 रुपीज़। जी हाँ गाइज, ऑलमोस्ट 14,000 का डिवाइस है। 14,000 के डिवाइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फीचर्स दिया गया है, जिसमें आपको मैंने के लिए G35 जैसा एक पावरफुल चिपसेट दिया गया है। 5000 मिली एम्पियर का बैटरी मिल रहा है, 6.52 इंचेस का एक बढ़िया सा लार्ज डिस्प्ले दिया गया है इसी स्मार्टफोन में। हमें बेस्ट कैमरा क्वालिटी भी प्रोवाइड कर दिया गया है और डिवाइस जो है वो ओवरऑल देखा जाए प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन है ओप्पो S16। तो यही दोस्तों ओप्पो S16 स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।